Hello students, a very good morning to all of you. Today we will start our first theory class of your computer application. Okay, so you have different branches. Aapka hai IT hai, PQC hai, electrical hai, mechanics hai. Okay, so mechanical hai. So why do we need to study about this computer application? Many students thought that कि कंप्यूटर एप्लीकेशन हम लोग क्यों पढ़ेंगे. सो टू स्टडी दिस कंप्यूटर एप्लीकेशन वी विल गेन द नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ योर कंप्यूटर. सो द बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर रिलेटेड, सो यू कैन गेन इट. ओके, आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, हाउ इट वर्क्स. एंड ये आपका सिलेबस है. सो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कि आपका जेनरेशंस, आपका क्लासिफिकेशंस, इवोल्यूशन एंड आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारा चीज पढ़ोगे. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ोगे. देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, जो कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है पे जहाँ पे कि आप वर्क कर रहे हो अपना. ओके, देर आर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देर, यू नो दैट विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, 10. ओके, सो देन वी लर्न द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड उसमें द प्रीवियस वन में क्या ऐसे डिसएडवांटेज आया कि हम लोग डिफरेंट मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर टाइम सेविंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत हुआ. फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे डॉस का, यूनिक्स का, विंडोज का. ओके, देन वी विल लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड वी लर्न द कंपाइलर, इंटरप्रेटर का काम है, कंप्यूटर वायरसेस दैट मोस्ट of the problem आपका ये कंप्यूटर वायरस से होता है कि आपका पीसी कभी कभी हैंग हो जाएगा और जो साइबर अटैक ये सब होता है. सो वी विल लर्न द कंप्यूटर वायरस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन आपको कैसे करना है. सो आप जैसे जानते हो कि आप अपना लैपटॉप में या फिर पीसी में एंटीवायरस अपलोड करते हो, देर आर वेरियस types of antivirus are there and each having its own features. क्विक हिल है आपका, कैस्पेरी है. ओके, वैसे और बहुत सारा है. एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट डोमेन्स, आपका मेडिकल हो और हेल्थ हो, आपका एजुकेशन हो या फिर होल वर्ल्ड में कौन कौन से जगह पे आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है. सो अगर बोला जाए तो वी आर लिविंग इन अ कंप्यूटर एज, जहाँ पे कि हर जगह पे आपको कंप्यूटर चाहिए. ओके, एंड यू कैन डू योर वर्क वेरी फास्ट बाय यूजिंग दिस कंप्यूटर. मोबाइल से होता है बहुत सारा चीज, बट बहुत सारा काम ऐसे होता है जो कि हम लोग को कंप्यूटर में करना पड़ता है. ओके, सो अगर आप देख रहे होगे तो ऑटोमोबाइल शॉप ये सब में भी आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, सो आपका जो डिटेल्स होता है, आप कंज्यूमर का डिटेल्स हो या फिर आपका व्हीकल का डिटेल्स हो, वो सारा वो एंट्री करते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर. ओके, आपका रजिस्टर में करना बहुत पॉसिबल नहीं है. सो इसीलिए आपका कंप्यूटर है ताकि आप जो भी डाटा क्रिएट करो तो आपका कंप्यूटर में वो रहे. ओके, देन वी विल लर्न द कंप्यूटर नेटवर्क्स. सब कोई इंटरनेट यूज कर रहे हो एंड बहुत सारा ऐसे एरिया है जहाँ पे कि अब तक इंटरनेट का फास्ट डिलीवरी नहीं हो पा रहा है लोकल एरिया में, और बहुत सारा ऐसे जो इंटीरियर पार्ट है या कि और मतलब थोड़ा गांव एरिया है वहाँ पे इंटरनेट अभी तक नहीं पहुँच पाया है, नेटवर्क इश्यूज वहाँ पे बहुत है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग दिस इंटरनेट और हम लोग नेटवर्क एक्सेस कर पा रहे हैं. सो वी विल स्टडी हियर द डिफरेंट कनेक्टिंग मीडिया, कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग वायर्ड की वायरलेस. देन डाटा ट्रांसमिशन मोड, आपका जो डाटा है, डाटा मीन्स आप क्या जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, दैट डाटा
आपका कैसे ट्रांसमिट होता है, सिंगल वे होता है कि डुअल वे होता है, टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, दैट इज द फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, वेदर इट इज लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और योर वाइड एरिया नेटवर्क, या जो कि आपका जो इंटरनेट आता है दैट इज होल पीपल और होल वर्ल्ड यूज दिस। ओके, सो नेटवर्क आपका अलग 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 है और आपका जो www लिखते हो वो अलग है। ओके, वी विल सी लेटर। देन आपका आता है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो कि आपका नेटवर्किंग में हेल्प करता है और डाटा एक्सचेंज में हेल्प करता है, हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, NIC। ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनेट सर्विस, आपका ईमेल, जो कि आप जैसे कि आपका मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज भेजते हो उसी तरह से आप क्या करते हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए में आपका जो भी वेदर इट इज फॉर्मल और नॉन फॉर्मल हो, या फिर आप कोई फ्रेंड को मेल भेज रहे हो, सो आप उसको भेज सकते हो, ऑफिशियल मेल ऐसे भेज सकते हो। एंड वहाँ पे आप जो भी उसका मेल आईडी होगा आप लिख के उसको सेंड कर सकते हो, या फिर मल्टीपल पीपल को आप वही सेम मैसेज सेंड कर सकते हो। आपका लैब क्लास में है हाउ टू क्रिएट मेल। सो ये आपका जो ईमेल का सर्विस है दैट इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस कंपनी, एंड जैसे कि गूगल जो है वो डेवलप किया है आपका जीमेल। जीमेल भी एक फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है, मतलब आपका यूजर आईडी, देन पास यू हैव टू गिव द पासवर्ड। ओके, सो ये सब करने के बाद आप किसी को भी आप अपना आप मेल भेज सकते हो, दैट यू आर सोर्स, आप डेस्टिनेशन, आपका फ्रेंड को, फैमिली को, या कुलीग को, ऑफिस को भेज सकते हो। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज़पेपर, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में तो सबको पता होगा, क्योंकि टुडेज वर्ल्ड इज फुल्ली, मैक्सिमम पीपल आर डिपेंड अपॉन दिस ऑनलाइन शॉपिंग, एंड इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन मेनी पीपल नॉट कम आउट फ्रॉम देयर होम, एंड दे आर विलिंग टू डू द शॉपिंग थ्रू ऑनलाइन। ओके, जैसे आपका अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मिंत्रा हुआ। ओके, सो ये सारा, देन वी विल लर्न दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपका जियो हो, या कि वोडाफोन हो, या फिर एयरटेल हो। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। Then we will learn the file management and data processing. So how you can create a file or folder आप create करते हो, then file access methods है कि आप sequentially access कर रहे हो file या इन sequential access कर रहे हो file। Okay, या फिर आपका डाटा कैप्चर, मतलब आप इनपुट से आप डाटा देते हो, इनपुट डिवाइसेस से डाटा देते हो, वो कैसे प्रोसेस होता है एंड कैसे आप रिट्राइव करते हो डाटा को। ओके, देन वी विल लर्न अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज थ्रू योर एल्गोरिदम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट। देन वी विल सी द जनरेशन ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज सब है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड वी विल लर्न सम ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू योर फ्लो चार्ट। ओके, देन इन द फर्स्ट ईयर यू हैव सम, यू विल लर्न दैट सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज योर सी प्रोग्रामिंग है क्या, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, एंड हाउ यू कैन मैनेज द इनपुट आउटपुट। देन वी विल सी डिफरेंट व्हाट आर द ऑपरेटर्स विच आर यूज इन योर सी एक्सप्रेशंस, टाइप कन्वर्शन, डिसीजन कंट्रोल, जो आप लोग क्या कंडीशनल स्टेटमेंट्स देते हो, देन लूपिंग पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न सम बेसिक प्रोग्रामिंग, क्या क्या प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो सी प्रोग्राम में। देन एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि आप फंक्शन पढ़ोगे, पॉइंटर पढ़ोगे। ओके, देन स्ट्रक्चर, यूनियन, एरेस, ये सब आराम चीज आप पढ़ोगे। ओके, सो यू हैव टू फॉलो और यू विल रेफर द कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी बाय रीमा थेरेजा।
जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिस यू हैव टू फॉलो दिस वन, ओके। या आप प्रोग्रामिंग इन एनसीसी बाय, आप सी प्रोग्रामिंग के लिए एंड कैमाथे भी यूज कर सकते हो, ठीक। ई बाला गुरु स्वामी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ओके। सो बट आप रीमा थेरेसिया के बुक में आपका जो डिप्लोमा का जो कोर्स है उसके हिसाब से आप बहुत सारा चीज रीमा थेरेसिया बुक में पढ़ सकते हो। रीमा थेरेसिया का अलग अलग है, एक में है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, वहां पे सी प्रोग्रामिंग नहीं है, और एक बुक में है जो पूरा होल डिटेल्स है, सारा चीज है, ओके। सो कम टू द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो हम लोग कंप्यूटर मतलब क्या समझेंगे? सो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, देर इज अ डेफिनेशन दैट इज अ कंप्यूटर इज अ मशीन। ओब्वियसली इट्स अ मशीन, ओके, बिकॉज देर आर वेरियस कंपोनेंट्स आर असेंबल टुगेदर एंड दे आर वर्किंग, ओके। जैसे कि आपका सीपीयू आपका कंपोनेंट है, आपका कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड एवरीथिंग इज प्रोसेस इनसाइड योर सीपीयू, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। यहाँ पे क्या आपका मदरबोर्ड है, दैट्स द मेन, विदाउट मदरबोर्ड यू कैन नॉट ऑपरेट इट, ओके, बिकॉज वहाँ पर रैम लगा रहता है, बहुत सारा ऐसे छोटा बड़ा बहुत सारा कंपोनेंट्स वहाँ पे अटैच रहता है। उसके अंदर आपका हार्ड ड्राइव है, ओके, जो जहाँ पे कि आपका डाटा रहता है, एंड आपका कूलिंग फैन है, अगर हीट सिंक है, एंड डिफरेंट पोर्ट्स वायर्स है, एंड आपका जो माउस का केबल है या फिर कीबोर्ड का केबल है, या आजकल तो सब कोई क्या ब्लूटूथ माउस आ गया, ब्लूटूथ कीबोर्ड भी आ गया। सो यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट है जहाँ पे कि आप अपना पेन ड्राइव लगा सकते हो, एंड फॉर म्यूजिक उसके लिए भी पोर्ट है, ईयर कोड के लगाने के लिए। सो देर आर वेरियस कॉम्पोनेंट्स आर देयर हियर इन द सीपीयू, ओके। एंड मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो भी डाटा आप यहाँ से आपका कीबोर्ड या माउस, हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। सो यहाँ पे से जो भी डाटा आप एंटर करोगे दैट विल बी प्रोसेस इन योर सीपीयू, देन द आउटपुट विल बी डिस्प्ले इन योर मॉनिटर, ओके। देर आर वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर देर। सो अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सिक्वेंस ऑफ एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली वाया योर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो यू ए आर यूजिंग, यहाँ पे जो भी आप देखते हो आपका पीसी में हो और आपका लैपटॉप में हो, जो डेस्कटॉप आइकन है या फिर जो सारा फीचर्स दिया हुआ है, वो जब डेवलप किया गया या कंप्यूटर बनाएगा तो ऑलरेडी दैट फीचर्स आर बिल्ट इन, ओके, पहले से ही आया है। एंड कुछ चीज़ें आपको खुद को करना पड़ता है, ओके। सो दीज आर ऑलरेडी रिटर्न और दीज आर डेवलप्ड बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके ये कंप्यूटर आपका डेवलप किया गया है, ओके। सो डेफिनेशन टू में अगर देखा जाए तो अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सो जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो आप देख रहे हो, हार्डवेयर मीन्स द टचेबल डिवाइस जो आप देख सकते हो। सो ये आपका कंप्यूटर मॉनिटर यहाँ पे है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, बट आउटपुट तो आपका जो प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आप मॉनिटर के अंदर जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तभी देख पाओगे। सो ये आपका जो चीज़ आप सीपीयू को बाहर से आप देख सकते हो, आपका कीबोर्ड देख रहे हो, माउस देख रहे हो, दीज आर द हार्डवेयर पार्ट्स। एंड आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो कि आपका प्रोग्राम है या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल लो, दैट इज योर एप्लीकेशन पार्ट, ओके। दैट इज नॉट टचेबल, आप देख सकते हो बट यू कैन नॉट टच। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टच कर सकते हो, नहीं, ओके। सो द अनटचेबल पार्ट इज योर सॉफ्टवेयर, एंड दैट थिंग्स यू कैन टच दैट इज योर हार्डवेयर, ओके। सो इट इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ सोल्यूशंस बाय कंबाइनिंग इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट।
यहाँ पे आपका हार्डवेयर प्लस योर सॉफ्टवेयर, ये दोनों को मिला के आपका कंप्यूटर बनाया गया है। और वी कैन डिफाइन इस एज अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द रॉ डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज योर आउटपुट। सो द टर्म आपका कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम एन लैटिन वर्ड दैट इज योर कंप्यूटर विच मीन्स दैट की कैलकुलेट। सो जब आप कंप्यूट बोल रहे हो सो दैट सिंपल मीनिंग इज टू कंप्यूट। ओके सो कंप्यूटर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ सोल्यूशंस थ्रू इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स। सो वॉट इट मीन्स दैट कि आपका कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, दैट इज योर बाइनरी नंबर। ओके दैट इज योर जीरो एंड वन, वही सिर्फ समझ में आता है। सो देर आर वेरियस प्रोग, आप अगर जीरो एंड वन सिर्फ एंटर करते, सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करो वहाँ पर फिर सिर्फ जीरो एंड वन, जीरो एंड वन पुट करो, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। ओके आपको डिफिकल्ट होगा। तो कुछ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है वो आपको हेल्प करते हैं, जो कि प्रोग्राम ऑलरेडी डिजाइंड है। इसीलिए हम लोग क्या, हम लोग नॉर्मल अपना ऑन इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं, सो कैन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। कंप्यूटर को ये सारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। ओके फॉर दैट वी आर यूजिंग द कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रांसलेट करे दिस कोड को इनटू द बाइनर डिजिट्स। ओके जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। सो इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सो इन 1640s कंप्यूटर टर्म्स वॉज फर्स्ट यूज एज योर वन, जो कि कैलकुलेट करता है। देन 1897 में दैट वर्ड इज चेंज एंड गॉट ए न्यू मीनिंग टू अ कंप्यूटर दैट इज योर कैलकुलेटिंग मशीन, जो कि कैलकुलेट करता है। देन इन 1945 दिस टर्म इंडिकेट्स एज ए प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके सो इट इज कंसिडर्स दैट द एनालिटिकल इंजिन वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉज डेवलप्ड बाय योर और इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज इन योर 1837। सो इट इज यूज्ड, इट यूज योर पंच कार्ड यूज होता था, अभी नहीं यूज होता है पंच कार्ड्स एज रीड ओनली मेमोरी। ओके आप जैसे आप कुछ चीज़ को याद रखने के लिए आपको मेमोरी चाहिए, दैट इज आप क्या बोलते हैं आपका ब्रेन, वैसे कंप्यूटर को भी कुछ चीज़ याद रखने के लिए उसको मेमोरी चाहिए। सो आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ओके सो यहाँ पे रोम के बारे में लिखा हो गया है, हम लोग रीड ओनली मेमोरी बोल रहे हैं। सो चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज योर फादर ऑफ द कंप्यूटर। ओके सो दिस फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वॉज यूज बाय प्रिमिटिव पीपल्स, कुछ लोगों के द्वारा यूज हुआ। एंड दे यूज्ड स्टिक्स और स्टोन्स यूज करते थे एंड बोन्स, जो बोन होता है हड्डी, ये सारा वो लोग ऐसे काउंटिंग टूल के हिसाब में वो लोग यूज करते थे। सो एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव डे बाय डे, आपका जेनरेशन वाइज जेनरेशन वो उस ह्यूमन माइंड जो है वो क्या हुआ, थोड़ा उनका नॉलेज जब बढ़ा तो दे इन्वेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और इम्प्रूव इन देयर टेक्नोलॉजीज। ओके सो विथ टाइम मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर डेवलप्ड एंड सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइसेस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू रिसेंट वंस आर दिस डिस्क्राइब वेल। जैसे कि आपका फर्स्ट आपका एबाकस कंप्यूटर के बारे में सुना होगा। ओके सो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिन्स विद द बर्थ ऑफ एबाकस विच इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर एंड इट इज सेड दैट चाइनीज इन्वेंटेड एबाकस अराउंड 4000 ईयर्स एगो। ओके सो इट इज वॉज अ वुडन रैक, ऐसे आप ऑलरेडी स्लेट में भी देखे होंगे, जो लोग स्लेट यूज करते थे सो वहाँ पे आपका ऐसे दिया होगा काउंटिंग, काउंट करने के लिए। अभी भी बच्चों के लिए आता है कि काउंट करने के लिए रहता है 10, 1, 2, 3, 4, दे कैन काउंट दैट जो रूट्स मेटल रूट्स जो रहता है, ये बीड्स जो रहता है उसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 10 वैसे। सो वो लर्न करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। ओके
सो द बीट्स वेर मूव्ड बाय द एबाकस ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स टू परफॉर्म सम एरिथमेटिक कैलकुलेशन. जैसे कि आप जब बच्चे थे तो आप काउंट कैसे करते, स्टिक यूज करते थे. आप एक वन बाय वन आप करोगे, 1 2 3 4, या फिर आप जो लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पत्थर यूज़ करते थे, वो लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, वैसे काउंट करके रखेंगे 10 10 ऐसे. ओके, सो दिस वाज फन आल्सो एंड वी कैन कैलकुलेट एज इट इज. सो यहाँ पे हम लोग मैथ जब कर रहे हैं, 2 + 5, सो 2 रखेंगे एंड 5 स्टोन रखेंगे एंड वी कैन ऐड दिस थिंग्स. ओके, एंड वी गिव द रिजल्ट, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 7. ओके, सो इस हिसाब से हम लोग काउंट करते थे. सो अबाकस इज स्टिल यूज इन सम कंट्रीज लाइक योर चाइना, रशिया एंड जापान. एंड इमेजिन ऑफ अ टूल इज शोन दिस इमेज ऑफ सॉरी एन इमेज ऑफ दिस टूल इज शोन योर बिलो. ओके, देन आपका नेपियर्स बोन. सो इट वॉज मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वॉज इन्वेंटेड बाय योर जॉन नेपियर इन योर 1550 to 1617 ऑफ योर मर्जिस्टोन. ओके, सो इन दिस कैलकुलेटिंग टूल ही यूज 9 डिफरेंट आइवोरी स्ट्रिप्स और बोन्स यूज करते थे मार्क विथ नंबर्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए. ओके, सो द टूल बिकम नोन एज नेपियर्स बोन्स. इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज द डेसीमल पॉइंट, जो आप 2.5 इस तरह से लिख रहे हो. ओके, सो यहाँ पे बोन यूज होता था एंड देयर इज इवन सम नंबर्स इन दैट. एंड पास्कलाइन में, पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज योर अरिथमेटिक मशीन्स और एडिंग मशीन्स. इट वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644 बाई योर फ्रेंच मैथमेटिशियन दैट फिलोसोफर ब्लेज पास्कल. वो तो आप सुने ही होंगे पास्कल के बारे में. इट इज बिलीव दैट इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. सो पास्कल इन्वेंटेड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर अ टैक्स अकाउंटेंट. ओके, टैक्स अकाउंटेंट रहता है ना, कैलकुलेशन पर्पस, आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रखते हैं, आपका कितना पैसा हुआ वो सर कैलकुलेट करते हैं, आपका सैलरी के हिसाब से आप कितना टैक्स पेयर हो. ओके, सो इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इट वॉज अ वुडन बॉक्स विथ अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स लगा हुआ रहता था. सो व्हेन अ व्हील इज रोटेटेड वन रिवोल्यूशन, इट रोटेट्स द नेबरिंग व्हील. ओके, जब एक व्हील, ऑब्वियसली एक व्हील यहाँ पे वो इस तरह से डिजाइन किए थे कि एक व्हील रोटेट होगा तो वो दूसरा को भी रोटेट करेगा. सो ए सीरीज ऑफ विंडोज इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द व्हील्स टू रीड द टोटल. सो दिस इज द इमेज. देन कम टू स्टेट रेकोनर एंड लेबनीज व्हील्स. सो इट वॉज डेवलप्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर्स गॉटफ्रेड विलहेम लेबनीज इन 1673. ही इम्प्रूव्ड पास्कल्स इन्वेंशंस टू डेवलप दिस मशीन. सो इट वॉज डिजिटल मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड द स्टेप्ड रेकनर. एज इन स्टेड ऑफ गियर्स इट वॉज मेड ऑफ फ्लूटेड ड्रम्स. सी दिस. ओके, जो फ्लूट होता है बांसुरी आप देखे रहोगे, या फिर देर आर वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे रहोगे. सो उसी हिसाब से ये डेवलप किया गया था. सो डिफरेंस इंजिन. सो इट वॉज अर्लियर इन 1820s. इट वॉज डिजाइंड बाई चार्ल्स बेबेज, हु नोन एज योर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन एंड इट वॉज स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन टू सॉल्व टेबल्स और नंबर्स लाइक योर लॉगारिदम टेबल. जो लॉग टू इस तरह से जो करते हो उसको वो कैलकुलेट कर पा रहा था. तो देखो प्रीवियसली वो सिर्फ सिंपल हम लोग वुडन ये में बीड्स यूज करते थे, देन बोन्स यूज करते थे, देन देर आर डिफरेंट डिवाइस आया जो जहाँ पे कि आपका व्हील यूज हुआ. ओके, एंड नेक्स्ट डे बाय डे आपका लॉगारिदम टेबल भी वो कैलकुलेट किया. ओके, सो एनालिटिकल इंजिन. दिस कैलकुलेटिंग मशीन वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाई योर चार्ल्स बेबेज इन 1830 एंड इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज योर पंच कार्ड एज योर इनपुट एंड इट इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन द परमानेंट मेमोरी, जो कि आपका स्टोर करता है
जो भी डाटा है उसका परमानेंटली मेमोरी में स्टोर करेगा. ओके, टू योर टैबुलेटिंग मशीन. इट वॉज इन्वेंटेड इन 1890 बाय हरमन हॉलरिथ एंड अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन. इट वॉज अ मैकेनिकल टैबुलेटर बेस्ड ऑन द पंच कार्ड्स आपका यूज होता था. इट कुड टैबुलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और शॉर्ट डाटा और इंफॉर्मेशन. एंड दिस मशीन वॉज यूज इन 1890s इन योर यूनाइटेड स्टेट सेंसस. सुने होंगे कि आपका सेंसस घट रहा है या बढ़ रहा है, आपका ये सारा चीज जो कि आपका शेयर मार्केट ये सारा ये उसमें आप ये टर्म सुने होंगे. सो हेलोरिथ ऑल्सो स्टार्टेड द हेलोरिथ्स ओके टैबुलेटिंग मशीन कंपनी विच लेटर बिकम द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि आपका आईबीएम है इन 1924. एंड दिस आईबीएम कंपनी अभी है आपका इंडिया में भी है. ओके, सो मेनी मोर जो इंजीनियर हैं सो दे कॉन्चर्ट जॉब इन योर दिस आईबीएम में नौकरी करते हैं. ओके, यू कैन ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द जॉब इन योर आईबीएम. ओके, सो देर आर वेरे सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हैं. तो आपका जो प्रोसेसर ये सारा आता है, आपका पीसी ये सब डेवलप होता है, सो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है आईबीएम का. एंड डिफरेंशियल एनालाइजर, इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच वॉज इंट्रोड्यूस इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1930. इट वॉज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय वैनेबर बूस. एंड दिस मशीन वॉज वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू परफॉर्म कैलकुलेशन. इट कुड डू 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट्स. सो यहाँ पे आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब आपका रहता है बहुत बड़ा बड़ा, लार्ज इन साइज. ओके, सो दिस इज द एनालॉग डिवाइस. एक होता है आपका एनालॉग डिवाइस, एक होता है आपका डिजिटल डिवाइस. डिजिटल डिवाइस में आप देखे होंगे, आप घड़ी भी कभी देखे होंगे, डिजिटल क्लॉक मीन्स आपका 8 लिखा होगा, एट लिखा होगा इस तरह से. ओके, सो खाली ऐसे लगेगा कोई स्टिक ऐसे रखा हुआ है एंड यू कैन मेड इट. ओके, सो या फिर जैसे कि आपका व्हीकल भी बोल लो, आजकल एनालॉग मीटर एंड डिजिटल मीटर भी लगा हुआ रहता है. सो यू कैन इजीली गेट दैट कि आपका गाड़ी कितना किलोमीटर गया या फिर आपका पेट्रोल कितना है. ओके, सो मार्क वन द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगन इन 1937 व्हेन होवर्ड एकिन प्लान टू डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर. इन 1944 द कंप्यूटर जेनरेशंस. ओके, सो आपका जेनरेशन वाइज आपका फर्स्ट जेनरेशन है. तो सो फर्स्ट कभी कभी आपका नेट में अगर पाओगे तो उसका ईयर डिफरेंट रह सकता है. सो द पीरियड 1940 टू 1956 रफली कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट जनरेशन ऑफ योर कंप्यूटर. एंड दैट टाइम दे आर यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स और द थर्म्योनिक वाल्व मशीन्स. ओके, सो द इनपुट ऑफ दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन योर पंच कार्ड एंड द पेपर टेप वहाँ पे यूज करते थे. एंड द आउटपुट वॉज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट निकाल के वो लोग काम करते थे. सो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क ऑन द बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ योर 0 एंड 1. ओके, सो आपका एग्जाम्पल है एनियाक, एडवाक एक्सेट्रा, दे आर कंसिडर्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो दिस इज द पिक्चर. सो देखो कितना बड़ा है ये. ओके, देन आपका सेकेंड जनरेशन आता है. मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे नहीं बोल रही हूँ. ओके, सो द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पीरियड इज दैट इज योर 1956 टू 1963 विच वॉज कंसिडर्ड एज द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. एंड दिस सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाई यूजिंग योर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी. बहुत छोटा होता है. ओके, सो वेन यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स लैब यू कैन सी, और मैं पिक्चर भी दिखा सकती हूँ. सो आपका ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज हुआ. ओके, सो इन
कंपेरिजन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन द साइज ऑफ द सेकेंड जनरेशन वॉज स्मॉलर. सो यहाँ पे आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होता था. दैट जानवरी बोल दूँ कि हिट होने का चांसेस बहुत रहता था. सो द एंड साइज भी बहुत बड़ा है. द नेक्स्ट जनरेशन में उसका साइज जो है वो छोटा हो गया. सो द साइज ऑफ सेकेंड जनरेशन वॉज स्मॉलर एज कम्पेयर टू योर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो इन कंपेरिजन ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन द कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर ऑफ द सेकेंड जनरेशन वॉज लेसर. मतलब बहुत कम समय, ये आपका क्या है, बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता था कंप्यूट करने के, वी विल सी इन द लेटर क्लास. एंड यहाँ पे अब उससे थोड़ा कम समय में काम हो जाता था. सम मिली सेकेंड्स इस हिसाब से में या फिर माइक्रो सेकेंड इस हिसाब से में उस वो लोग काम करते थे. सो थर्ड जनरेशन पीरियड इज 1963 टू 1971 विच वॉज रफली कंसिडर्ड एज योर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. जहाँ पे कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ. सो स्मॉल आईसी चिप होता है वहाँ पे, आपका बहुत सारा चीज़ उसी ये में असेंबल होके आता है. सो वो छोटा चिप ही बहुत सारा काम कर लेता है. ओके. सो इन कंपेरिजन टू कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन द साइज ऑल्सो डिक्रीजेस. एंड देखो यहाँ पे ये उससे छोटा है, ये देखो यहाँ पे ये भी बड़ा है इससे, तो साइज ऑल्सो डिक्रीजेस. एंड यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो कर रहा है वो भी कैलकुलेशन स्पीड बाकी दो जनरेशन से ज़्यादा है. द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इन थर्ड जनरेशन वॉज ऑल्सो लो. जो कॉस्ट रहता है क्योंकि इतना बड़ा डिवाइस को हैंडल करना, मैनेज करना, दैट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. बट उसके बाद जो पीसी सब आया उसका प्राइस भी लो आया. होगा साइज वाइज भी वो कम स्पेस लेता था. ओके. सो द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज ईजियर फॉर सम कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी आपका यूज़ होता था. फोर्थ जनरेशन पीरियड दैट इज 1972 टू 2010 इज रफली कंसिडर्ड एज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर वी आर यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी. जो कि आपका इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i3, इंटेल डुअल कोर, ये सारा जो सुनते हो टर्म, दैट आर द प्रोसेसर्स दैट इज फिटेड इन टू योर कंप्यूटर. ओके. सो उसका नैनो टेक्नोलॉजी ये सारा भी यूज़ होता है. जहाँ पे कि आप अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस, आपका प्रोसेसर का परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका कंप्यूटर का जो भी स्पीड है दैट डिटरमाइंस. नॉट ओनली द प्रोसेसर डिपेंड, प्रोसेसर के ऊपर से डिपेंड नहीं करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है. और बहुत सारा भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हेल्प करते थे हैं आपका कंप्यूटर को फास्ट रनिंग के लिए. ओके. सो बाय कमिंग टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल इन साइज, बिकम पोर्टेबल. पोर्टेबल मतलब क्या, यू कैन इजिली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके. द मशीन देन इट इज मच फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकम मोर रिलायबल एंड इट इज मच देन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन एंड इट बिकम अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल. सो आप यूज कर सकते हो. ओके. एंड हैंड हेल्ड डिवाइस तो ऑलरेडी आया ही, जो कि आपको लैपटॉप बोलने हैं. ओके. एंड फिफ्थ जनरेशन द पीरियड 2010 टू टिल डेट एंड बियॉन्ड रफली कंसिडर एज योर पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो बाय द टाइम द कंप्यूटर जनरेशन वॉज बींग कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ योर हार्डवेयर ओनली, बट द फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड सम ऑफ सॉफ्टवेयर, वेरियस सॉफ्टवेयर आर यूज देयर. एंड द कंप्यूटर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन हैड हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी. आपका देखोगे हार्ड ड्राइव का कैपेसिटी जो डे बाय डे आपका यूज़ होता था, पहले 150 MB ऐसे होगा. हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे तो देखेंगे MB का वैल्यू कितना होता है. देन GB, सो आपका 500 GB तक भी आ गया आपका, एंड उससे ज़्यादा भी आ जाएगा. ओके. देन वर्किंग विथ कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वॉज फर्स्ट एंड मल्टीपल टास्क कुड बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली. अब वेरियस काम आप कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, प्लस मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी ओपन कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं और कोई ऐप भी यहाँ पे खोल सकती हूँ.
And some of the popular advanced technologies of the fifth generation include artificial intelligence, quantum computation, nanotechnology, parallel processing, etc. use here. Okay, so in the next class, we will study about what are the advantages and disadvantages of these generations of computers so that we will move ahead. Ki hum log ko second generation, third generation, fourth generation, fifth generation aise jana pada. And we will learn the classification of your computer. Okay, for today, thank you.